हेलो एवरीवन, आज हम धरण डिगना यानी नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीधे लेट जाएंगे। अब पहला अभ्यास करेंगे जिसमें आप अपने पैरों को अपनी छाती के पास लेके आएंगे, एक पैर को उठा करके, और अपने सांस छोड़ते हुए अपने नाक को अपने पैर के अंगूठे से टच कराने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। अब सेम दूसरे पैर को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नाक को अंगूठे से, पैर के अंगूठे से टच कराने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब दूसरा अभ्यास करेंगे जिसका नाम है एक पद पवन मुक्तासन। इसके लिए सबसे पहले अपने एक पैर को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने से टच कराएंगे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। अब सेम दूसरे पैर से भी हम यही अभ्यास करेंगे। पैर को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटनों से टच कराएंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुकेंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगे। अब थर्ड है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी छाती के पास लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटनों से टच कराएंगे। काउंटिंग करते रहेंगे हम। अब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। इसके हम 2 से 4 सेट आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन है उत्तान पादासन। इसके लिए अपने पैरों को, दोनों को धीरे धीरे सांस भरते उठाएंगे, थोड़ा और ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, थोड़ा और ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री पर लेके आ जाएंगे। 90 डिग्री पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते पैरों को नीचे लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, फिर थोड़ा नीचे लेके आएंगे, फिर थोड़ा होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट आसन है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे और ये देख लेंगे कि पैरों की दूरी ज़्यादा ना हो। हम अपनी अंगुली से टच करके देखेंगे एड़ियों को। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे। अब जब बॉडी ऊपर है तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। तो जितना हम ऊपर उठा सकते हैं बॉडी को उतना ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। इसके भी हम 2 से 4 सेट आराम से कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को नॉर्मल लेके आ जाएंगे। अब नाभि को चेक कर सकते हैं आप। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू सो मच।